हेलो सर, माय नेम इज़ प्रमोद कुमार सोनी। मैं पिछले 9 सालों से टैटू कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरा आने का इंटरेस्ट इसलिए हुआ कि मैं शुरू से ही आर्टिस्ट था। मेरे को लगता था कि मुझे कुछ इसी एरिया के अंदर करना चाहिए इसलिए। और बाकी मैं संस्कृत से स्टूडेंट रह चुका हूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि पैशन ही फॉलो कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने इस टैटू स्टूडियो ओपन करने का सोचा। स्टार्टिंग की ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ थी, लगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हो गए और रिजल्ट्स आपके सामने। मैं बेसिकली हिंदी टैटू करता हूँ, कैलीग्राफी में कन्वर्ट करके। जैसे आप देख सकते हैं, वॉल मेरी ही बनाई हुई है सेल्फ में। ये क्या मैसेज देती है? ये सर, दिस इज द वे हाउ आई लुक द आर्ट। इस तरीके से मुझे लगता है आर्ट को दिखाना। दीज आर संस्कृत कैलीग्राफी स्ट्रोक्स, बेसिक स्ट्रोक्स। किस किस टाइप के टैटू लोग लाइक करते हैं? सर अभी देखो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन, तो पिछले 1-2 सालों के अंदर टैटू का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरा तो देखो हमेशा से ये रहा है कि कभी भी ट्रेंड को फॉलो करना ही नहीं चाहिए। कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ स्टोरी आपकी कनेक्शन हो टैटू के साथ में, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उससे आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक रहता है, तो आपको टैटू कभी बोर नहीं लगता कि मैंने क्यों करवाया था, इसका रीज़न क्या है। तो लोग भगवान के टाइटल टैटू लगवाते हैं, हाँ गर्लफ्रेंड सर, के, बॉयफ्रेंड के लगवाते हैं, क्या करते हैं, लव के देखो लगवाते हैं? मैंने अभी तक मेरे पूरे करियर के अंदर नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ यूथ जाता है लॉर्ड शिवा के ऊपर। उनकी लाइफस्टाइल, उनके मंत्र वगैरह, उनके पोर्ट्रेट्स वगैरह इन पर बनवाते हैं। कुछ तो टैटू 12-12, 13-13 घंटे के होते हैं, इसके अंदर वो कंटिन्यू सेटिंग देते हैं हमको। अच्छा, यस एक टैटू में कितना टाइम लगता सर, इसके साइज के ऊपर है? डिपेंड है। डिपेंड अगर करता है। डिटेल टैटू है और छोटा भी है, तो कभी कभी छोटे से टैटू के अंदर 2x2 के टैटू में भी 3 घंटे लग जाते हैं। और कभी अच्छा, कभी एक बड़ा, अगर लाइन वर्क का कोई ज्योमेट्रिक टैटू है, तो बड़े से बड़े 8 to 9 inches के टैटू में भी 1 आवर लगता है। इस टैटू की शेल्फ लाइफ कितनी है? सर ये पूरे चीज़ डिपेंड है स्किन की हीलिंग प्रोसेस पे। जैसे सर कि स्किन का टेक्सचर ब्राइट टू ब्राउन होता जाएगा, वैसे वैसे टैटू डलनेस में आता जाएगा। फिर बाकी अगर एज की बात करें अपन, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्किन का अपनी बॉडी से कनेक्शन जैसे जैसे लूज होता है, और वैसे वैसे स्किन लूज होती रहती है, तो टैटू डल दिखने शुरू हो जाते हैं। बाकी लॉन्ग लाइफ का ऐसा है कि परमानेंट मार्क्स है। एक डिसीजन होता है जो हर इंसान को एबल होना आता है कि मैं हूँ एबल, कि मैं खुद की डिसीजन खुद ले सकता हूँ। दैट्स टैटू। टैटू इज नॉट एनी मार्क ऑफ ब्लैक इंक। एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे एक स्टोरी होती है, लोगों को एक पर्सपेक्टिव होता है कि मैं कैसे और भी कैसे तरीकों से लोगों को बता सकता हूँ मेरी स्टोरी के बारे में। क्यों बनवाते हैं टैटू लोग? सर कुछ देखो मीनिंगफुल चीज़ों की बात करें, तो मोस्ट ऑफ दी अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वहाँ के मोस्टली लोग कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के पीछे बनवाते हैं। इंडिया के अंदर बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को टैटू सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसके पड़ोसी के पास टैटू है, यहाँ अच्छा पर टैटू बनवा रखा है, सिर्फ इसलिए टैटू चाहिए। अच्छा हाँ, तो कोई स्टोरी हो उसके साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो टैटू तो बनवाना। आप उस व्यक्ति का जो आपसे टैटू बनाने आया है उसका आप इंटरेस्ट जनरेट करते हाँ होंगे मैं कि शौक बिना में ना बनवाए, स्टोरी पे बिल्कुल, हाँ बनवाए। बिल्कुल, मैं पहले यही ट्राई करता हूँ कि उसके पास पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट हो उसका, उसने कुछ सोच रखा हो या कोई डिज़ाइन ऐसी हो जो उसने खुद से बनाई हो, कोई ना कोई इसका कनेक्शन उसके साथ। जिससे उसके व्यक्तित्व का पता चल बिल्कुल सके हाँ कि वो क्या सोचता है, क्या बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी है। हाँ। मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि जैसे कभी कभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास खुद का कॉन्सेप्ट लेके, उनका कॉन्सेप्ट सेम होता है, तो मैं उनसे उनका मीनिंग पूछता हूँ, करवाने की वजह पूछता हूँ क्यों करवा रहे हैं पेटेंट। लेकिन फिर मुझे पता लगता है कि उनके पीछे रीजन नहीं है, तो मैं पहले तो ये ट्राई करता हूँ कि कोई ना कोई मीनिंगफुल टैटू उनको मिले, या मैं कुछ क्रिएट करके दे पाऊँ उनको। ऐसा और इस टैटू को परिवर्तन करना हो या परमानेंट हटाना हो तो परमानेंट हटाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं टैटू को। एक लेजर सर्जरी होती है जिसके अंदर लेजर से रिमूव हो जाता है टैटू। सेकेंडली सर्जरी जो है वो है फ्लैप सर्जरी, जिसके अंदर स्किन का पार्ट हटाते हैं अपन थाई के ऊपर से, और हटाने के बाद उस थाई के स्किन के पार्ट को टैटू के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो 2 तरीकों से, दोनों से पॉसिबल है, सर्जरी भी करवा सकते हैं और लेज़र भी करवा सकते हैं। लेज़र थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, वो 1500 पर स्क्वायर इंच के अकॉर्डिंग काउंट होता है पर सेटिंग। उसकी सेटिंग्स 5 to 7 हो सकती है अगर टैटू ज़्यादा स्किन की डेप्थ में गया हुआ है। और क्या एक स्थान पर जिसमें टैटू लगा हो उसको हटाया गया हो, क्या दोबारे वहां पर पॉसिबल है टैटू हाँ बिल्कुल लगाना? पॉसिबल है, लेकिन स्किन का 0 to 0 मिक्स होना ज़रूरी है, और वो एज के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर टैटू रिमूव की प्रोसेस को 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो अपन सोच सकते हैं उस प्लेस के ऊपर वापस टैटू कर किस दें। एज ग्रुप के लोग टैटू लगाने के लिए आते हैं आपके पास? सर मेरे पास तो 10 साल के भी आए हैं जिनको नॉलेज नहीं थी वैसे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 18 की एज जरूरी है,
कि परमानेंट डिसीजन बनाने के लिए कि आपको टैटू बनवा लेना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, उस 18 की एज पे स्किन भी मैच्योर हो जाती है। बिल्कुल, वो डिसीजन लेने के लिए मैच्योर है, पेन को सहन करने के लिए, थोड़ा सा पेनफुल भी होता है तो वो भी सहन हो, इसलिए एज 18 हो तो ज़्यादा बेस्ट। और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो सर बहुत सारे लोग बनाते हैं 60 ईयर्स की भी बना लेते हैं टैटू। अच्छा, हो जाता है। अच्छा, तो डायबिटीज पेशेंट्स भी आते हैं जिनको टैटू बहुत ही पसंद है, तो स्पेशल केयर्स के अंदर उनके भी टैटू पॉसिबल हो जाता है। अच्छा अच्छा, और कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे? बस विशेष बात तो ऐसा है कि टैटू के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का आर्ट से पर्सपेक्टिव कम है, उनको टैटू सिर्फ एक काम लगता है। जैसे एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट कहीं पे 500 पर स्क्वायर इंच से कर रहा है, तो कोई आर्टिस्ट 100 रुपये इंच से भी कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर आर्टिस्ट है वो तो प्रूव करे आर्ट के जरिए, और अगर उसको लगता है कि मेरा आर्ट 500 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये स्क्वायर इंच का है तो उसे अकॉर्डिंग चार्ज दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम क्या बताया? प्रमोद कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बेसिकली चोरों से हूँ, लेकिन अभी मैं रिसेंटली 3 साल से जयपुर में शिफ्ट हुआ। अच्छा, मेरा नाम रमन अग्रवाल है, मैं हैथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट। ये यहाँ टैटू बनाया जा रहा है। आपका शुभ नाम? अभिषेक। अभिषेक, हाँ बेटा, क्या टैटू बना रहे हो आप? मैं सर बना रहा हूँ, ये विंग्स है, विंग्स, ईगल विंग्स है, इसके अंदर के सिंबल्स है, सर के एंजल विंग्स है, इसके अंदर सर का सिंबल्स है। ये एक एंजल एक नंबर है, 888 अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? कपिल गुरदासवानी। तो पहली बार बनवा रहे हैं आप? नहीं, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी बने हुए, लेकिन दूसरा बनवा रहे हैं। ठीक,